Oh,
यार पुराणाए संग कल में दयाल पुराणाए अस दम दम नाल पकाणाए अस दम दम नाल पकाणाए इस कल में पार लगाणाए इस कल में पार लगाणाए पढ़ो लाई La 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 la
मेरे आ
की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अमल के मेरी बिसात क्या है, अमल की मेरी बिसात क्या है, अजुज नदामत के पास क्या है, अमल की मेरी बिसात क्या है, अजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, निस्बत रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी तुम्हारे दर से खुदा मिला है, तुम्हारे दर से खुदा मिला है, यही से उसका पता चला है, तुम्हारे दर से खुदा मिला है, यही से उसका पता चला, ये आईना बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा कर्म, پیر طریقت رب شریعت حضور قبلہ سید دیوان علی اسامہ شاہ صاحب بخاری
तहमत बरकात की कुर्सिया हुजूर किबला पीर तरीकत राबे शरीयत साहबजादा यूसुफ दीवान अहमद जाहिद मसूद शाह साहब बुखारी दामत बरकात की कुर्सिया पीर तरीकत राबे शरीयत खुशबू सलीम साहबजादा पीर सैयद ईमान अली अहमद उमामा मुआज़्ज़म शाह साहब बुखारी दामत बरकात कुर्सिया मदीगर खुलफाए किराम कारी कुरान सना खान हुजूर के सच्चे गुलाम दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की ये नशिस्त ये महफिल ये कट ये मजमा खास मकसद के लिए है। वो मकसद क्या है? वो मकसद अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है। वो जिक्र जिसकी दावत अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने दी, खुलफाए किराम ने दी, अहले बैत इज़ाम ने दी, औलियाए किराम मशायखे इज़ाम ने दी, मेरे पीरों पुंचे हुजूर किबला पीर सैयद दीवान फजल हुसैन शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम पेश किया। अगर गिरामी माशाल्लाह साल हर साल से आप इस महफिल में तशरीफ लाते हैं, दूर दराज से आते हैं, इसका कोई मकसद होगा, इसका कोई फायदा होगा। बगैर वक्त जाए किए आज डॉक्टर्स कहते हैं अगर सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, राहत चाहते हो तो एक लंबी सांस लो। साइंस कहती है, तहकीक कहती है, टेक्नोलॉजी कहती है कि लंबी सांस लो और इस तरह के अपने सांस को रोक लो। रोकने के बाद फिर जो आपने अपने अंदर हवा को जज़्ब किया है फिर उसको ज़ाहिर कर दो, उसको खारिज कर दो, उसको निकाल दो, मिलेगा। फरमाया कि जब तुम ऐसा करोगे तुम्हें तिबी फायदा होगा, बदनी फायदा होगा, तुम्हारा जिस्म सलामत रहेगा और तुम सुकून इत्मीनान राहत महसूस करोगे। इवन के तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई मसाइल है, मुश्किलात हैं, मामलात हैं। फिर कि जिंदगी बिताने के लिए लाजिम है खुद को सलामत रखना, खुद की हिफाजत करना, सेहत के बारे ख्याल करना। जो 1400 साल बाद तहकीक की डॉक्टर ने, साइंसदानों ने करोड़ों रुपए खर्च करके वो बेवाम अल्लाह वालों ने 1400 साल पहले देना शुरू कर दिया। वो पैगाम क्या है? मेरे हुजूर किबला पीर सैयद दीवान हजरत फजल हुसैन शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर किबला पीर सैयद दीवान बादली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर किबला पीर सैयद दीवान पीर सैयद मोहम्मद सलीम शाह साहब हाशमी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो पैगाम हुजूर किबला डॉक्टर सैयद पीर मोहम्मद नसीम शाह साहब हाशमी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और आपके साहबजादगान बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, जिस सुकून की तलाश में तुम फिरते हैं आओ, जो हमने बाप दादों से सीखा, अपने बड़ों से सीखा, अपने सिलसिले से सीखा, तरीका से सीखा, वो क्या है? वो तो सदियों पहले बता गए। लेफ्ट टांग मैं क्यों ना कहूं कि बाईं टांग पर को ला, दाईं टांग पर इला, सांस ऊपर लो हा, फिर सांस खोलो इल्लल्ला, फिर तुम्हें बदनी भी सलामत नसीब होगी और रूह को भी सलामती नसीब होगी। समझ में आई है बात? कि नफी इस बात है ला इलाहा इल्लल्ला। साइंस के बाद में तहकीक की, अल्लाह वालों ने पहले पैगाम दे दिया। ये मंशूर है, ये पैगाम है बदनी
सलामती चाहते हो तो जिक्र करो, रूह की सलामती चाहते हो तो जिक्र करो, जिंदगी की सलामती चाहते हो तो जिक्र करो, मौत की सलामती चाहते हो तो जिक्र करो, कब्र की सलामती चाहते हो तो जिक्र करो, हश्र की सलामती चाहते हो तो जिक्र करो, दोनों जहां में सलामती चाहते हो तो अल्लाह का आप थके हालांकि तबियत मेरी साथ नहीं दे रही थी, तो हजरत किबला का फैजान है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा गला मेरा भी चलने लग पड़ा। आप भी जा सकते हैं, बुजुर्गों को रियायत है और जवानों के पास गुंजाइश है, मिलके कहते हैं सुभान अल्लाह। मैंने वक्त को महफूज खाते रखते हुए एक खूबसूरत गुलदस्ता पेश करना है, पैगाम देना है, क्योंकि इस माह मुबारक को कई निस्बतें हासिल है। जिसको छठी शरीफ से बनाया जाता है और जश्न मौला अली फातिह खैबर दामाद रसूल हजरत मौला कैनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम की विलादत के बाद सआदत और इसके साथ साथ हुजूर की मेराज है, यानी कई निस्बतें हासिल है। मैं आपके सामने एक गुलदस्ता पेश करने लगा हूँ, आल का भी जिक्र है, औलाद का भी जिक्र है, अजदाद का भी जिक्र है। रब ने महीनों में भी नहीं बुलाया, कुरान में भी नहीं बुलाया, और रिकॉर्ड बात पेश कर रहा हूँ, एक एक लफ्ज का फकीर जिम्मेदार है। आस्ताने आलिया दीवाने बाग मुल्तान शरीफ के प्लेटफॉर्म से बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूँ, अंदर चिश्ती का ये पैगाम और रिकॉर्ड भी रहेगा, आप भी कुलूब में नक्श करके ले जाए, कहीं पर आपको नस्बत ये मुहत ये फैज नजर आएगा, कहीं पर निस्बत ये फैज नजर आएगा, कहीं पर खून की सूरत में ये फैज नजर आएगा, कहीं पर ये जुदा नहीं है। कैसे नहीं है? अगर खाजे खाजगा ने चिश्त आले बहिश्त को पढ़ा जाए, आपकी वालदा मायदा की निस्बत नस्बन हजरत इमाम हसन से है, और हुजूर खाजे खाजगा ने चिश्त आले बहिश्त की वालिद की जानिब से, वालिद मोहतरम की जानिब से निस्बत सैयदुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। अब वंड करना मेरी बातों की, सहबान इल्म मौजूद हो, हसनी भी है, हुसैनी भी है, हसनी भी खून है, हुसैनी भी खून है, हसन से बगावत करोगे या हुसैन को छोड़ोगे या हुसैन से मोहब्बत करोगे, हसन को छोड़ोगे? जो आशिक होगा वो हसन पे भी जान निशार करेगा, जो मुहिब होगा हुसैन कैसे भी वो पता। अब अकीदा पेश करना चाहता हूं, हजरत जी काटने वाले पौधे मिलेंगे, मिलाने वाले किस्मत से। एक शहर से बुजुर्ग हिकायात में आता है कि उनके सामने एक कैंची को पेश किया गया, आपने इनकार किया, आपने वापस ना बसा। एक और शख्स उसने आपसे सुई को पेश किया, आपने कबूल फरमा लिया। तो साथ एक और भी बैठा था, मुरीद मुरीद भी था, वजीर भी था, मुशीर भी था, दुआ यही क्या करें कि अल्लाह करे मुशीर लड़कड़े हो, झल्ले ना हो, तारीफ उठाए। खुदा की कसम सबसे ज्यादा सल्तनत बादशाह बनु अब्बास थे, तारीख का मुताला करें आपको पता चलेगा। लेकिन जब सल्तनत दीवार पजीर हुई, उसके असबाब बादशाह वक्त थे, हुक्मरान न थे, बनु अब्बास न थे, बल्कि वजीर मुशीर थे जिनकी बदौलत दीवार पजीर हुई। मुझे हुक्म हुआ कि मैं मशवरा करूं, और इस हजरत सैयदना इब्ने अब्बास ने रिवायत की, तफसीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है, फरमाया कि यहां से मुराद कोई और नहीं बल्कि सैयदना सिद्दीक अकबर है। जो सहाबा कराम से मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह, जो मौला अली से इश्क करते हैं वो भी कहते हैं सुभान अल्लाह। यही वंडे कर करके पहले तो हम कहते थे शरीयत और तरीकत और, अब हमने खून को भी जुदा करना शुरू कर दिया, ये और है वो और है। अब मैं यहाँ पर वंड करने लगा हूँ, जहां मैं गलत बोलू मुझे रोकिएगा, टोकिएगा, वरना जरा सोचिएगा, आओ जरा तारीफ।
हदीस का मुताजा करें, कुरान का मुताजा करें, हुजूर के फरमान का मुताजा करें, तो बात खुद के सामने आएगी। हजरत गिरामी, सबसे पहले वहदानियत की बात करूं तो किसी ने अल्लाह को एक माना, वो मिल्लत इब्राहिम में भी आई, और किसी ने अल्लाह सलासा का नारा लगाया, वो मुस्लिम है। वो क्या खा रहे, फिर लफ्जों पे गौर करो, वो क्या बने नहीं मुशरिक। थोड़ा सा आगे आए, मैं जिस गिरा जो गिरा लगाना चाहता हूं, जो बाहर संभालना चाहता हूं, अगर नहीं जब आगे आए, अब नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात जाहिरी दौरे मुबारक का अजल से लेकर अबद तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारा दौर मेरे हुजूर का है। अब उन्होंने कहा हम अपने जो मुशरिक है, उन्होंने कहा कि हम तो अपने माबूदों को मानेंगे। वकाल ला तरहुन आलिहतकुम वला तरहुन वद्दन वला सुआउन वला यहूस वयऊक वनसर। कुरा हजरात मौजूद है, उन्होंने किसवा मारा, वो मुशरिक है। अब एक और लोग आया, उसने कहा कि हम तो अपने बाप दादा का दीन मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे। हम अब्दुल मुत्तलिब को फरमाया, वो हूर के दादा जान थे, और अबू जहल कौन था, कहा कि मानूंगा लेकिन आपको नहीं मानूंगा। अब वन हुए, पहले मुशरिक थे, अब काफिर बने। रात ने फरमाया, महबूब जो तुझे नहीं मानता वो मुझे भी। पीता है कुरैशी साहब भी, मुश्ताक साहब तरह आप इस बात की तारीफ करेंगे, जितने भी खुलफाए किराम पीर असलम सकूनी साहब माशाल्लाह पीर वाल से तशरीफ लाए हैं, अहलम वसहलम मरहबा काजी जहूर साहब भाई शरीफ साहब हमारे लिए, हर जितने भी मुरीदीन अकीदत मां तशरीफ लेकर आए हैं, हर जरा अपनी अपनी जगह आफताब की माने हैं काजी बशीर साहब हजरत गिरामी। लेकिन लब को खुदा के लिए समझे, अपने दिलों में ये बात नक्श कर ले, ये दो नहीं एक है। अब बात आई दो की, उसने कहा वहदानियत तो मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। रात ने फरमाया, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। अब हुजूर का हयात जाहिर से मिसाल हुआ, सैयदना सिद्दीक अकबर ने खिलाफत का ऐलान किया। अब वहां भी एक जमात मुमकिन हुई, मुर्तद हुई, कहने लगे कि हम तो रसूल की मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। एक ने कहा फकत आपकी मानेंगे और आपके घर वालों की। यहां पर दो ग्रोह बने, ये तारीख है, एक बना खारिजी, एक बना राफजी। एक ने कहा कि हम आपको मानते हैं, घर वालों को नहीं मानते, वो खारिजी हुए। एक ने कहा फकत घर वालों को मानते हैं, आपको नहीं मानते, वो राफजी हुए। अब वो भी गए, ये भी गए। अब थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा सा आगे है। अब बात करूं मौला कैनात की, चौखट जहरा की, हसन बिलाल जनाबे फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और सच्ची तरह इमाम हुसैन अली सलाम बिलाल नूरे नजर, वो भी ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा का है। अब मैं इतना अकीदा पेश करना चाहता हूं जिससे हसन ने सुनो की अकीदा है, हसन ने सुनो की, हम उससे लड़ नहीं सकते, और जिसके साथ हुसैन ने ईरान का जंग इलाने जंग किया, हम उससे सुलह कर, क्योंकि हम हसन को भी मानते हैं और हुसैन को भी। अच्छा ईमान से बताओ, बंदा हसन को माने और हुसैन को ना माने, हुसैन को माने हसन को ना माने, क्या ज़हरा की रूह ठंडी होगी? आज मैंने कहा वो ना आपसे लेके बैठ गई, क्या ठंडी होगी? नहीं, रूह तब ठंडी होगी जब हसन से भी प्यार करोगे और हुसैन से भी वफाओं का इजहार करोगे। अब मैं सादा करूं, एक शख्स वन में रोड पे जा रहा है, वो कहता बस तेरी यही लाइन है। मिसाल के तौर पर मुल्तान से आप मुजफ्फरगढ़ को निकले, ठीक है, अगर दूसरी लाइन से अशना होगे, बनी बनाई होगी, तो वो रास्ता मिलेगा। अगर बंदा का है भी बल हिप को एरोप्लेन का है कोई ना, तो जो है ना, तो पता चला जाने के लिए भी रास्ता दरकार है, आने के लिए भी रास्ता दरकार है, जाने के लिए भी रास्ते की जरूरत है, आने के लिए भी रास्ते की जरूरत है। यही निस्बत है, यही रूहानियत है, यही खून है। तो जिधर जिधर से आपने छेड़ना है सब छेड़ लो, तो सहारा पाक सलामुल्लाह अलैहा के खून की बात करूं, खून की बात करूं।
करूं तो हसन से भी प्यार करना पड़ेगा, हुसैन से भी इश्क करना पड़ेगा, अकीदे की बात करूं तो सहाबाए कराम से भी मोहब्बत करना पड़ेगी और अहले बैत इज़ाम से भी इश्क करना पड़ेगा। अगर वहदानियत की बात करूं तो अल्लाह की इताअत भी करनी पड़ेगी, साथ साथ रसूल खुदा की इताअत और मोहब्बत भी करनी पड़ेगी। अब जो पैगाम समय के हम जोड़ने वाले हैं तोड़ने वाले हैं। अजान समाज समाज